दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंड कॉलर कुर्ती का कटिंग, और इस कुर्ती का मेजरमेंट लेना भी सिखाएंगे, और कुर्ती से मेजरमेंट लेकर कुर्ती को कैसे कटिंग करें ये भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वैसे वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग इसका मेजरमेंट लेना सीखते हैं और फिर कटिंग सीखेंगे। इसमें इसका बाहीं 3/4 है और बाहीं का लंबाई ऐसे नापना है। ये 16.5 इंच लंबाई है और 10.5 इंच का गोलाई है। यहाँ पर लिख देंगे 16.5, 10.5। अब इसका आर्मोल जो है इसे बैक साइड से नापेंगे हम लोग। ये देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कर कर जो सिलाई आर्मोल ज्वाइंट किया गया है, सिलाई मारा गया है, इसी पे ही ऐसे रखेंगे, एकदम ऊपर से ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे एकदम ऊपर से, और इसको ऐसे ही जो सिलाई ऐसे लगाया गया है आर्मोल का उसको चिपक कर ऐसे धीरे धीरे ऐसे मेजरमेंट करना है और देखना है आर्मोल कितना आ रहा है। इसका आर्मोल आ रहा है 9 इंच का आ रहा है, तो 9 × 2 = 18 इंच। इसका आर्मोल है 18 इंच का, तो 18 लिख देंगे, ठीक है। अब यहीं से शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है, शोल्डर का। तो इसको ठीक से ऐसे रखना है सीधा करके, ऐसे ना अपने इसका शोल्डर आ रहा है 15.5 इंच का, तो लिख देंगे 15.5। इसमें मार्जिन थोड़ा अलग से रखना पड़ेगा, बाही का जो ज्वाइंट लगाए, जो बाही जो ज्वाइंट करते हैं तो उसका मार्जिन, ठीक है। अब इसका लंबाई देख लेंगे, ऐसे लंबाई रख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब देख लेंगे इसका लंबाई कितना आ रहा है। इसका लंबाई है 41 इंच, तो यहाँ लिख देंगे 41 लेंथ, ठीक है। और उसके बाद से अब इसका गला नापेंगे कितना गला है। इसका गला क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे टेप को और नाप लेंगे। जो गला इसका है यह है 8.5 इंच का, तो यहाँ पर लिख देंगे 8.5 इंच फ्रंट गला, ठीक है। अब इसका ये चेस्ट नाप लेंगे कितना आ रहा है, ऐसे ऐसे नाप लेंगे। इसको आपको दिखाता हूँ ठीक से, ऐसे कर देंगे, बराबर कर देंगे और फिर ऐसे नापेंगे। इसका चेस्ट आ रहा है ये 21.5 आ रहा है, इसको दुगुना होगा 43 इंच। ये 43 का इसका चेस्ट आ गया, 21.5 है इसको दुगुना 43, ठीक है। अब इस शोल्डर पे ऐसे रखना है सीधा, ये जो कमर का जो लेंथ है ये देखना है, ये हमारा आ रहा है 14.5 पे, तो 14.5 पर ही ऐसे ले लेंगे। ये हमारा आ रहा है 19.5 आ रहा है, 19.5 आ रहा है ऐसे, इसका दुगुना हो जाएगा आपका 39 इंच, ठीक है। 39 पे कितना आएगा यहाँ पे 14.5, यहां से कमर की लंबाई। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा साइड कट है ना, साइड कट यहां पर इसका मेजरमेंट ले लेंगे, ये कितना आ रहा है। ये हमारा साइड कट आ रहा है, साढ़े 24 इंच 2 सूत का, ये हमारा आ रहा है 24 × 48 = 49, 49.5 इंच का इसका सीट है यानी हिप। अब ये साइड कट कहाँ से खुला रहेगा कैसे पता लगाएंगे, तो इसको ऐसे पकड़ लेंगे और यहीं से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब ऐसे रखने के बाद ये देखिए एकदम सीधा हो गया है यहाँ पे। अब यहीं पे टेप रख के ऐसे नाप लेंगे, ये हमारा आ रहा है 20.5 इंच का,
यहाँ पे ले देंगे 20.5 20.5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका घेर कितना रखना है वो भी नाप लेंगे। इसका घेर आ रहा है 26, 26 इंच का घेर है। तो ये था मेजरमेंट लेने का तरीका, ठीक ना, ऐसे ही मेजरमेंट लिया जाता है। अब इसको ऐसे रख देंगे। अब जल्दी जल्दी कुर्ती कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुर्ती काटने के लिए चौक ले लेंगे और नीचे यहाँ पर दबाव का मार्जिन छोड़कर जितना फोल्ड करेंगे वो छोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है, और मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से 41 इंच इसका लंबाई है, तो 41.5 आधा इंच बढ़ाकर लंबाई को यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और इसका आर्मोल जो है 18 इंच पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर। यहाँ पर चेस्ट का आर्मोल का लाइन है और शोल्डर का लाइन है, शोल्डर लाइन, चेस्ट आर्मोल लाइन, उसके पास आता है कमर का लाइन। तो हमने लिया था 14.5 का, तो ये रखेंगे 15 इंच, आधा इंच बढ़ा देंगे, शोल्डर में दबाव जाएगा वो कवर हो जाएगा। और ये भी जो हम लिए हैं 20.5 लिए हैं, इसका साइड कट का हिप के ऊपर साइड कट का 20.5 है, तो हम लोग 21 रख देंगे, आधा इंच यहाँ पर भी बढ़ा देंगे, ठीक ना। और उसके बाद इस पट्टी से सीधा मार्किंग कर देंगे इधर भी, और ये चेस्ट का आर्मोल का, और ये अपना शोल्डर का, 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन होता है, ये शोल्डर का होता है, इस पे आर्मोल और चेस्ट दोनों आता है, ये कमर का है और ये हिप का है और साइड कट का है, ठीक है। अब हम ये रखेंगे, गहराई जो है इसका रखेंगे हम लोग 2.5 इंच इधर भी और इधर भी इतना ही। इसका शोल्डर जो है 15.5 इंच का है, तो 15.5 इंच है तो इसको हम 16 कर देंगे, 2 सूत बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड, दोनों बाजी, दोनों शोल्डर, दोनों बाजी से, और इधर भी 16 कर देंगे 8, इधर भी 8 कर देंगे 16 का आधा 8, ठीक है। अब क्या है, इसका चेस्ट है 43 का, ठीक है, और ये तैयार मेजरमेंट है, इसमें लूजिंग नहीं डालेंगे। तो 43 का है तो ये आएगा अपना 43 का चौथा भाग आएगा 10.5 इंच 2 सूत, ठीक है, ये हम मार्किंग कर देंगे। और एक कमर का है, कमर इसका है 39 इंच कमर है इसका है, तो 39 का है तो इसमें भी लूजिंग नहीं रहेगा क्योंकि कुर्ते का मेजरमेंट है। 39 का चौथा भाग आएगा 9.5 इंच 2 सूत, यानी 10 इंच में 2 सूत कम, 9.5 इंच 2 सूत, ठीक है। अब आएगा ये हिप का, हिप आया था 49 इंच का, ठीक है, तो 49 का आएगा आपका 12 × 48 49 49 ये आपका आएगा 12.5 इंच में 1 सूत कम, ठीक है, 49 यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे उतने पे ही। अगर एक सूत कम या ज्यादा होता है तो आधा इंच का काम करता है, क्योंकि 4 लेयर रहता है, 1 2 3 4, ये देखिए डबल है, डबल है, 4 हो गया ना, एक सूत, सिर्फ एक सूत कम ज्यादा हो गया तो आधा इंच का डिफरेंट कर देगा, ठीक है, इसका ध्यान रखा जाए कटिंग में। अब हमारा साइड कट है 26 इंच का, तो 26 का आधा होगा 13 इंच, तो 13 पे हम मार्किंग कर देंगे, ठीक है, ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से पट्टी से सीधा कर देंगे ऐसे, चेस्ट से कमर में मिलाएंगे और कमर से सीट में मिलाएंगे, ठीक ना।
अब ये क्या करेंगे, ये पट्टी ले लेंगे और पट्टी लेने के बाद इसको जो है सीधा मार्किंग कर देंगे और इधर से जो फोल्ड करेंगे उतना मार्जिन रख लें यहाँ पर अपने हिसाब से। मैं जितना फोल्ड करता हूँ तो उतना रख दिया हूँ, आप जितना फोल्ड करते हैं उतना रख लें। यहाँ से हमारा साइड कट का ये सिग्नेचर है, ठीक है। अब यहाँ से आर्म होल जो है, सॉरी शोल्डर को डाउन करेंगे यहाँ से, इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे डाउन किए हैं तो इधर भी अंदर ले लेंगे। जितना डाउन किए हैं उतना ही अंदर ले लेता हूँ, एक इंच का अंदर ले लेते हैं, एक इंच भी डाउन किया हूँ, ऐसे हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर्म होल को गोलाई देंगे फ्रंच पट्टी से, ये देखिए ऐसे, ठीक ना, ये गोलाई हो गया। अब नापेंगे इसको रख के, आर्म होल जो 18 इंच का है तो 9 इंच का आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे नापते हैं। तो ये हमारा 9 इंच में 2 सूत ज़्यादा आ रहा है, एक बार ठीक से और नापते हैं, अब 1 सूत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एक सूत जो है तो हल्का से यहाँ से शोल्डर और थोड़ा डाउन कर देना एक सूत, ठीक है, अभी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, अब कट करेंगे इसमें स्टैंड कॉलर है तो आगे वाला जो है 1 इंच कम रहेगा और पीछे वाला जो बढ़ेगा 1 इंच, ठीक है। तो क्या होगा, कॉलर अच्छे से बैठ, आपको लोग दिखाता हूँ कट करके, मैं ड्राइंग कर देता हूँ इसको अच्छे तरीके, आप समझ जाएंगे। अब तो क्या कीजिए, यहाँ से आगे से 1/2 इंच कम कर दीजिए, ऐसे 1/2 इंच, ठीक है। ये हमारा 1/2 इंच कम हो गया ऐसे, ठीक है। इसको अब यहाँ यहीं से कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब बैक वाला जो है 1 इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है, ये देखिए ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, ऐसे कट कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे, ऐसे काट लेंगे, ठीक है। अभी मैं ये 1 इंच बढ़ाया हूँ पीछे का, ठीक है, इसको जब सिलेंगे तो पीछे से आगे 1/2 इंच दिखेगा, जब पहनेंगे कस्टमर तो 1/2 इंच ही आगे आएगा ना, क्योंकि पीछे एक ऐसे देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे तो 1/2 इंच आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखने में 1 इंच दिख रहा है तो 1/2 इंच का ही आता है, ठीक है, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे आ जाना है, ये देखिए, ठीक है, और नीचे से ऐसा है, ये हमारा कट के ओके हो गया है। अब चटका लगा लेते हैं यहाँ पर, इधर भी गहराई निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हमारा गहराई हो गया आगे का, और यहाँ से हल्का सा 1/2 इंच का ऐसे कट देंगे। क्या होता है, ऐसे मैं कट कर दिया हूँ तो अगर पीछे का बड़ा देखेंगे, आगे पीछे दोनों बराबर काट देंगे यहाँ पर, तो क्या होता है, गर्दन के पीछे स्टैंड जो होता है ना कॉलर, वो खड़ा रहता है, और ऐसे जब रखेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से बैठता है, ठीक है, इसका ही रीजन है, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये मार्किंग वाला लगा लेंगे इससे, ये हो गया। इससे क्या होता है, सिलाई एकदम परफेक्ट आता है, इधर उधर नहीं होता है। ये देखिए लगाया हूँ, ये सब में देखता है, चारों पल्ले में देखता है,
ऐसे लगाए हुए हैं, तो उस पर हम लोग सिलाई मार लेते हैं और फिटिंग एकदम परफेक्ट आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, एक कमर की लाइन से एक डॉट लगाना है, ये जो कमर का जो है ना चटका लगाया हूँ, सेंटर कमर का ऐसे निकाल लिया हूँ। अब इस सेंटर से 4 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे, 9 इंच हो गया, 9 इंच लंबा हो गया ये। अब क्या करेंगे, एक और भी टेक्निक बताता हूँ आपको। एक कमर है ना, कमर कितना आ रहा है, 39 है, इसके आधा कर लेंगे। अब देखें कितना आ रहा है, ये देखिए, तो उतना इधर भी रख देंगे, इधर इधर और इधर, इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग डॉट लगा लेंगे, ये देखिए इतना डॉट लगा लेंगे, ठीक है। ये 1 इंच का डॉट होगा, ठीक ना, इसको भी हम लोग ऐसे कर लेंगे मार्किंग इससे, ये हो गया। अब देखिए डॉट का तो मार्किंग हमने छोड़ा ही नहीं, भूल गया, तभी देखिए यहीं से क्या करेंगे, यहां से हल्का सा इसको कर भी देंगे ऐसे, हल्का सा ऐसे, ये हो जाएगा, और इसको मार्किंग कर देंगे, फिटिंग एक नंबर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे गला काट लेते हैं, गला कितने का है, 8 इंच का है, तो यहां से नहीं नापना है, यहां से इससे आधा इंच ऊपर करके नापना है टेप को, मतलब इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे नाखून मार लीजिए जहां पर हमारे, ऐसे मार्किंग कर लीजिए और फिर इसको ऐसे रख के 8.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे होने के बाद अभी लेना है और सेम ऐसा ही गला करना है इसमें भी, तो ये देखते हैं कितने का आ रहा है, 4.5 इंच का है, तो यही से 4.5 इंच ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद इसको जो है ड्राइंग कर लेंगे गोल, और यहीं से इसको कट करके निकाल देंगे, ठीक है। और इसको जो है इसको भी अंदर से चीर लेंगे, इसको यहां से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम लोग बाहें कट करेंगे इसका, ये हो गया 3/4 बाहें हैं, बाहें भी आप लोग कट करना देख लेंगे तो एकदम, बाहें के लिए एक टेक्निक होता है अच्छे तरीके से फिटिंग बैठाना बाहें को, तो क्या होता है, बाहें बड़ा होने लगता है या छोटा होने लगता है, ये वीडियो देखने के बाद आपका बाहें एकदम अच्छे तरीके से बैठेगा कुर्ती में, कुछ अल्टर उल्टर नहीं आएगा, ठीक ना। अब इसको जो है ऐसे इसको अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है कपड़े को बाहें काटने के लिए, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब इसको जो है ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको सेटिंग करते हैं, ऐसे मार्किंग कर लिया। बाई का लंबाई है 16.5 इंच का, तो बाई कितना करेंगे, 17 इंच, ये देखिए यहाँ 17 कर देंगे और 3.5 पर इधर से भी सीधा मार्किंग कर देंगे और 3.5 पर भी सीधा मार्किंग, ठीक है। इधर भी अभी हमारा है 10.5 इंच का, 10.5 का आधा रखेंगे, 5 इंच 2 सूत यहाँ लिख देंगे 10.5 इंच, और यहाँ पर इसका जो हमारा ये आर्मोल इसका आया था 9 इंच का, तो इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि मार्जिन कम पड़ रहा था, ठीक है। इधर भी कर लेंगे मार्किंग बराबर 10.5 का, और इधर भी 9 इंच का मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेंगे, छोटा पड़ रहा है तो ये बड़ा पट्टी ले लेंगे यहाँ से ऐसे,
ठीक है, हल्का से इधर बढ़ा देंगे, सीधा खींच लेंगे और इधर भी इस पट्टी से फोल्ड करेंगे, उसके लिए इतना बढ़ा देंगे और यहाँ से कट करेंगे इसको। ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कट कर लेंगे, इधर भी कट लगा लेंगे, इधर भी कट लगा लेंगे। अब इसमें निकालेंगे गहराई, ठीक है, गहराई को ऐसे निकालना है, ठीक है। ये देखिए गहराई निकालेंगे, ये हो गया, चटका लगा दिया और पीछे से भी इसका जो है अच्छे से सेट कर देंगे, अच्छे शेप में, ठीक ना। ये हमारा बाहें भी कट गया है। अगर आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।